जियो वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जी हाँ आज हम देखने वाले हैं की माँ और बेटे के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है इंग्लिश में तो चलिए जल्दी से सीखते हैं मोमेंट कॉन्वर्सेशन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप कॉन्वर्सेशन को स्टडी करें जितना ज्यादा आप कॉन्वर्सेशन को रीड करोगे तो उतनी जल्दी आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर होगी सबसे पहले तो माम क्या बोल रही है हे जेन डिड यू ईट लंच जेन क्या तुमने दोपहर का खाना खाया हे जेन डिड यू ईट लंच अब देखते हैं कि जेन क्या आगे से जवाब देती है

तो माँ आगे से बोल रही है कि तुम्हें अभी खाने की जरूरत है नहीं तो एनर्जी नहीं होगी टेस्ट देने के लिए तो ये तो अक्सर हर माँ बोलती है अपने बच्चे को यू स्टिल नीड टू ईट और यू वुडेंट द टेस्ट तो आगे से देखते हैं कि जेन क्या बोलते हैं आई नो मुझे पता है आई विल ग्रैप समथिंग ऑन द वे टू क्लास कि मैं कुछ ले लूंगा रास्ते में यानी कि क्लास जाते समय मैं रास्ते में कुछ ले लूंगा आई नो आई विल ग्रैप समथिंग ऑन द वे टू क्लास आगे से देखते हैं वहां का क्या रिएक्शन होता है इस बात पे फास्ट फूड जैसे कि हर मां को गुस्सा आ जाता है कि बाहर का खाना तो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए तो वो उनसे पूछ रही है जैसे फास्ट फूड यानी कि बाहर का खाना तो आगे से देखते हैं जेन का क्या जवाब होता है या आ भी ग्रैब अ बर्गर कि हाँ मैं बर्गर ले लूँगा यानी कि रास्ते में मैं क्या ले लूँगा बर्गर या आ भी ग्रैब अ बर्गर दैट्स नॉट हेल्दी फॉर यू लेट मी मेक यू समथिंग टू इट तो आगे से माँ बोलती है कि वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है दैट्स नॉट हेल्दी फॉर यू लेट मी मेक यू समथिंग टू इट उनके मुझे बना दे दो तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ आगे से जैन बोलते हैं थैंक्स मॉम धन्यवाद माँ बट आई डोंट हैव टाइम लेकिन मेरे पास समय नहीं है यानी कि वो जल्दी में है थैंक्स बट आई आगे से देखते हैं कि माँ क्या बोलती है यू ईट अ प्रॉपर मील एनी वो तो आगे से माँ शिकायत करती है जैसे कि हर माँ अपने बच्चे को करती है कि तुम्हारे पास अच्छे से खाने के लिए कभी समय नहीं हो तो आगे से जिन बोलते हैं आई लाइक फास्ट फूड मील्स एनी वे कि मुझे फास्ट फूड पसंद है दे आर क्विक एंड ईजी ये वो झटपट मिल जाता है तो सभी को यही चीज आसान लगती है फास्ट फूड की आई लाइक फास्ट फूड मील्स एनी वे दे आर क्विक एंड ईजी तो आगे से माँ बोलती है लेट मी पैक यू फ्रूट्स कि तुम्हारे लिए मैं फ्रूट्स को पैक कर देती हूँ खाने के लिए यानी कि लंच के लिए फ्रूट्स पैक कर देती हूँ लेट मी पैक यू फ्रूट्स तो देखते हैं आगे से जेन क्या बोलती है आगे से जेन बोलते हैं मॉम प्लीज आम इन कॉलेज नाउ यानी कि मैं अभी कॉलेज में ही हूँ यानी कि मैं बड़ा हो गया हूं अब आई कैन कट माई ओन फ्रूट मैं अब अपने लिए खुद सारे काम कर सकता हूँ यानी कि मैं अपने लिए फल काट सकता हूँ मॉम प्लीज आम इन कॉलेज नाउ आई कैन कट माई ओन फ्रूट तो आगे से माँ बोलती है बट यू डू इट पर तुम ऐसा नहीं करोगे यानी कि तुम हेल्दी तो खाओगे ही नहीं बट यू डू इट पर तुम ऐसा नहीं करते यानी कि तुम कह देते हो पर करते नहीं हो तो जेनागिस बोलते हैं ओके आई विल टेक दिस सेब तो ठीक है मैं ये सेब ले लूंगा इट्स क्विक एंड इजी ये झटपट और आसान है सी यू लेटर मॉम बाद में मिलते हैं मैं तो आगे से मॉम बोलती है ईट समथिंग न्यूट्रिशियस यानी कि कुछ पौष्टिक खाओ कुछ अच्छा खाओ ईट समथिंग न्यूट्रिशियस तो यहीं पे ये कन्वर्सेशन्स मैपड होती है मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ज्यादा से ज़्यादा रीड करने चाहिए सो दैट आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाए आज की वीडियो में बस इतना ही इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग डीप क्लासेस